हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका एक नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये फ्लावर डिज़ाइन स्टिच करके दिखाने वाला हूं और आप लोगों को सिखाने वाला हूं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं स्टिच करने वाला हूं और आप डिज़ाइन आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने डिज़ाइन को ड्रॉ कर लिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लोड स्टिच करने के लिए यहाँ पर मैं रेशम का आउटलाइन कर ले रहा हूँ। इसमें जो नीडल यूज़ कर रहा हूँ ये दो तार का आयरन नीडल है और इसमें रेशम जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये दो तार रेशम यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो आप लोग भी दो तार रेशम ही यूज़ करना है इसमें। इस तरह से जो बाहर का प्रिंट है इसके ऊपर मैं हमें छपाई पे आउटलाइन कर लेना है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ में छपाई पर हमें आउटलाइन करना है ताकि इसका फिनिशिंग बिगड़े ना। तो फिनिशिंग बहुत अच्छे से हमें मेंटेन करके रखना है। उसके बाद हम लोड स्टिच करने वाले हैं। आउटलाइन कर लेने के बाद हमें यहाँ पे इस तरह से पक्का कर देना है। पक्का करने के बाद उसके बाद हम यहाँ पे फिर एक आउटलाइन और वापस से हमें करना ज़रूरी है। तो ये जो लोडिंग वाला जो पत्ती रहेगा ऊपर का जो जगह है वो उसका जो फिनिशिंग है बराबर एक पत्ती का शेप ही रहेगा, तो इसीलिए हमें ये भी आउटलाइन कर लेना है। उसके बाद फिर हम लोड स्टिच करेंगे। उसके बाद हमें इस तरह से धागा ले लेना है। अब देख सकते हैं ये थोड़ा मोटा धागा है, इस तरह से धागा ले करके उसको हम यहाँ पर जो हम पैटर्न यूज़ करते हैं तो पैटर्न की जगह पर ही हमें यूज़ करना है। तो इस तरह से हम इसमें पैटर्न यूज़ करेंगे कि इसका जो लुक है थोड़ा उठा हुआ दिखे तो अच्छा लगेगा देखने में, इसका फिनिशिंग बहुत अच्छा आएगा। इसी वजह से हमें पैटर्न लेना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत वीडियो बनने वाला है आज। आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा इस वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस तरह से हमें पूरा पत्ती के अंदर में पैटर्न ले लेना है। आप देख सकते हैं इस तरह से इस रस्सी को हमें स्टिच कर लेने के बाद इस तरह से हम कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद अब हम यहाँ से लोड स्टिच करने वाले हैं। आप देख सकते हैं लोड जब स्टिच करो आप तो बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ में आपको लोड स्टिच करना है, इसका फिनिशिंग बिगड़ ना जाए। अगर फिनिशिंग बिगड़ जाएगा तो फिर पूरे फ्लावर का जो लुक है वो बिगड़ जाएगा। तो इसी वजह से हमें बहुत ध्यान से बहुत ही बारीकी से टाँका पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और उसके बाद फिर हम लोड स्टिच करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ, इस तरह से आप लोग को भी देख करके प्रैक्टिस करना है। इसी तरह से हमें पूरे में लोड स्टिच कर लेना है। आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ में मैं लोड स्टिच कर रहा हूँ। लोड स्टिच हो जाने के बाद अब इसके ऊपर में हमें टचअप डालना है। टचअप डालने के लिए हम जो रेशम का यूज़ करने वाले हैं वो ये रेशम रहेगा। आप देख सकते हैं इसका पर्पल का और येल्लो का कॉम्बिनेशन हमेशा बहुत अच्छा लगता है देखने में, इसी वजह से मैं इसका टचअप ले रहा हूँ। टचअप के लिए हम यहाँ से शुरू करेंगे। हमें इस तरह से एक एक टाका लेते चले जाना है।
ये टचअप हो जाने के बाद अब हमें यहाँ पे लोड स्टिच करना है जरदोशी का। और जरदोशी का लोड स्टिच करने से पहले हमें यहाँ पे एक पैटर्न लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम नक्शी का पैटर्न ले रहे हैं, इस तरह से हम आउटलाइन कर देंगे, उसके बाद हम जरदोशी का लोड स्टिच करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लग रहा है आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ से हम लोड स्टिच करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने नीडल के अंदर में जरदोशी के छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, जितना यहाँ पे हमें ज़रूरत होता पड़ेगा जो साइज़ का, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे ले लिया है। इस तरह से हम लोड स्टिच करते चले जाएंगे। उसके बाद हमें इसको इस तरह से पक्का कर देना है। पक्का करने के बाद जो है ना, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे वर्क। जरदोशी का जो लोड स्टिच है ना, यहाँ से हम करेंगे 20 सेंटर से स्टार्ट करने से, जो अगर क्योंकि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ना तो आगे जाकर के ये जो लाइन हम स्टिच कर रहे हैं तो ये थोड़ा क्रॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से जो लुक है इसका, जो फिनिशिंग है वो बिगड़ जाएगा। तो हम 20 से शुरू करेंगे और 60 तक ले करके आ जाएंगे, फिर इधर से भी 20 से शुरू करेंगे 60 तक लेके आएंगे, ताकि इसका जो फिनिशिंग है वो मेंटेन रहे और परफेक्ट लोड स्टिच होगा। इस तरह से हमें पक्का कर लेना है और ठीक जैसा हमने इधर स्टिच किया है उसी तरह से हमें पूरा स्टिच कर लेना है। आप देख सकते हैं पूरा लोड स्टिच हो गया, फिनिशिंग के साथ में मैंने स्टिच कर लिया है। अब हम यहाँ पे फ्रांस कट सीक्वेंस यूज़ करने वाले हैं 4 नंबर। इसमें जो मैं नीडल यूज़ कर रहा हूँ ये वुडन नीडल 8 नंबर है। यहाँ पर हम एक एक सीक्वेंस स्टिच करेंगे इस तरह से। इस तरह से हमें पूरा सीक्वेंस स्टिच कर लेना है। अब देख सकते हैं ये सीक्वेंस हो गया स्टिच। अब सीक्वेंस स्टिच होने के बाद अब ये जो खाली जगह बच रहा है, इस खाली जगह के अंदर में हमें बीच सेंटर में एक इस तरह से पल ले लेना है। पल मोती के ऊपर से हम ग्रीन कलर का एक मोती को इस तरह से फंसा देंगे, इस तरह से फंसा करके उसके बाद हम इसके साइड से जरदोशी का उठा उठा इस तरह से हम स्टिच करने वाले हैं। इस तरह से हमें जरदोशी स्टिच करना है, एक एक करके स्टिच करते चले जाना है। जो भी खाली जगह दिख रहा है सारे जगह के अंदर में हमें इसको इसी तरह से फिलअप कर लेना है, क्योंकि इसका जो लुक है थोड़ा और रोज़ की तरह इसका लुक आएगा स्टिच करने के बाद, और बहुत खूबसूरत लगेगा देखने में। ये 3D टाइप का इसका लुक आएगा। तो इस तरह से अब आपको भी बनाना है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो मेरा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए मेरे सो फ्रेंड्स, इस तरह का वर्क आप लोगों को भी सीखना है बहुत ही आसान तरीके से मैं सिखाता हूं। तो आप लोगों को अगर इंटरेस्ट है तो मेरा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। किसी भी तरह का आपको इंक्वायरी चाहिए तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या तो फिर कॉल भी कर सकते हैं। इस तरह से हमें फिर बाद में पक्का कर लेना है पूरा जरदोशी स्टिच कर लेने के बाद। अब आप देख सकते हैं इसका जो लुक है कितना खूबसूरत लग रहा है। ये फ्लावर भी पूरा रेडी हो गया, आप देख सकते हैं। अब हम ये काम करने वाले हैं और ये वाला जो बाकी है वो हम करने वाले हैं। यहाँ पे हमें भी लोड स्टिच करना है। लोड स्टिच करने के लिए यहाँ पे जो हम रेशम का यूज़ कर रहे हैं, आप देख सकते हैं ये वाला रेशम है, सिल्क थ्रेड है जो भी इसमें रेशम मैंने यूज़ किया है।
इसमें हम आउटलाइन पहले नहीं कर रहे हैं, इसमें डायरेक्ट ही हम इस तरह से लोट स्टिच कर ले रहे हैं। थ्रेड का लीफ हो जाने के बाद अब हमें यहाँ पे जरदोशी का लोड स्टिच करना है। लोड स्टिच करने के लिए यहाँ पे मैं सबसे पहले एक पैटर्न ले ले रहा हूँ, पैटर्न जरदोशी का ही ले रहा हूँ। पैटर्न लेने के बाद हम इसके ऊपर से हम एक जरदोशी का फिर हम लोड स्टिच करना शुरू करेंगे। हमें सिंगल लाइन यहाँ पे आउटलाइन कर लेना है। इसके बाद हम ऊपर में जो पत्ती है उसमें हम कोरा का लोड स्टिच करने वाले हैं, जो कि एंटी कलर का कोरा है, उसका हम यूज़ करके फिर लीफ बनाने वाले हैं, पत्ती सिलने वाले हम। इस तरह से हमें जरदोशी का लोड यहाँ पे स्टिच कर लेना है। यहाँ पे पक्का कर लिया हूँ मैं। पक्का कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे पत्ती स्टिच करने वाले हैं। पत्ती स्टिच करने के लिए आप देख सकते हैं जो कोरा मैंने आपको बोला था इंडी कलर का, वो कोरा का मैं यहाँ पे इसमें भी यहाँ पे मैं पैटर्न ले लिया हूँ। पैटर्न लेने के बाद अब हम यहाँ पे लोड स्टिच करने वाले हैं। इसमें भी उसी तरह से पत्ती के अकॉर्डिंग मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं जरूर कोरा का, और सुई के अंदर मैंने भर लिया है। उसके बाद फिर हमें इस तरह से लोड स्टिच कर लेना है इसका। सो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और अगर आप लोगों को मेरा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है, इस तरह का वर्क सीखना चाहते हैं आप लोग, तो मेरा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद पत्ती के बीच में से हमें इस तरह से एक जरदोशी का छोटा सा टुकड़ा लेकर के हमें इस तरह से स्टिच कर देना है, ताकि बीच में जो थोड़ा खाली जैसा लग रहा है देखने में वो खाली ना लगे देखने में, वो हमें भरना ज़रूरी होता है। उसके बाद हमें रेशम का जो पत्ती हमने जो स्टिच किया था, लीफ स्टिच किया था, उसके अंदर में भी कोरे का हमें इस तरह से एक छोटा सा टुकड़ा स्टिच कर देना है। इस तरह से स्टिच कर लेने के बाद अब हम यहाँ पर फ्रांस का टिक्की और एक गोल्डन कलर का मोती हम यूज़ कर स्टिच कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से गोल्डन कलर का फ्रांस का टिक्की जो मैंने पहले स्टिच किया था, वही फ्रांस का टिक्की भी अभी मैं स्टिच कर रहा हूँ। ये पूरा हो जाने के बाद आप देख सकते हैं जो फ्लावर है, फ्लावर के साइड से हमें दो तार रेशम का अच्छे से ऑर्डिंग कर लेना फिनिशिंग के साथ में, ताकि इसका जो लुक है और भी अच्छा लगे देखने में। तरह से हमें फ्लावर का आउटलाइन कर लेना है। सो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा, अगर जिन लोगों को इस तरह का वर्क सीखना है उनको हेल्प हो जाएगा। आउटिंग हो जाने के बाद आप देख सकते हैं हमारा पूरा फाइनल लुक, आप देख सकते हैं पूरा बूटे का जो फाइनल लुक है कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो आप लोग भी बना करके ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।